माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य टी सुमति और काफी सारे सदस्यों ने कहा कि बिल लाने का मतलब ही है कि अब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। भाई, बिल को पायलट तो मैं कर रहा हूं, लेकर मैं आया हूं, मंशा मैंने स्पष्ट कही है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेटहुड इससे नहीं मिलेगा। आप कहां से ड्रॉ करते हो? आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। और कह रहे हैं कि स्टेटहुड देना है तो एग्मुट में क्यों लेकर आए? जरा एग्मुट कैडर को ही समझ लेते। क्या अरुणाचल राज्य नहीं है? क्या गोवा राज्य नहीं है? मिजोरम राज्य नहीं है? ये सारे राज्य ही है। जरा ध्यान से पढ़ लेते तो इतनी फजीहत ही न होती। ये सारे राज्य है और एडमिट कैडर के अंडर में है। जहां पर विशेष प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव परिस्थिति होती है, वहां पर अफसर भेजने पड़ते हैं और वो राज्य के विकास के लिए जाते हैं। जो अफसर एडमिट कैडर के है वही मसूरी की जगह पे ट्रेनिंग लेकर आते हैं जो जम्मू कश्मीर कैडर के लोग पहले लिया करते थे। ये ऑल इंडिया कैडर है मान्यवर, और वो इसी साहब इसका हिंदू मुस्लिम में विभाजन करते हैं। भाई, आपके मन में सब चीज हिंदू मुस्लिम है। मैं तो समझता हूं वो वैसी जी आपको, मगर आप देश के अफसरान को भी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करते हैं। क्या कंसेप्ट है आपका? एक हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता? एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता? किस प्रकार के देश में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं? अफसरों की संख्या हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे और अपने आप को सेक्युलर कहते हैं? काहे का सेक्युलरिज्म? हिंदू मुस्लिम में अफसरों की संख्या बांटेंगे? इस तरह से तो मान्यवर कश्मीर के अंदर शांति नहीं होगी, ज्यादा चिंता होगी, ज्यादा उचाट होगी, संशय बढ़ेंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। अभी उन्होंने एक और निवेदन कर दिया मान्यवर कि 2G से 4G विदेशियों के दबाव में किया है। वो इस हिसाब को मालूम नहीं है जिसका वो समर्थन करते थे। वो यूपीए की सरकार चली गई है, ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश के फैसले ये देश करता है, इस देश के फैसले इस देश की संसद करती है। कोई हम पर दबाव नहीं कर सकता, और हमने उसको इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया था मान्यवर कि कुछ संभलने के लिए समय चाहिए था, अफवाहें न फैलाई जाए इसके लिए एक समय चाहिए था। और आप हमें पूछ रहे हो भाई अधीर रंजन जी, 2G और 4G आपने तो मोबाइल ही बंद कर दिए थे और 20 साल तक बंद कर दिए थे। वाजपेयी जी की सरकार ने आकर 2G 4G छोड़ो, मोबाइल सर्विस ही बंद कर दी थी। कहां गए थे उस वक्त सारे अधिकार? मैं आपको पूछना चाहता हूं मान्यवर आपके माध्यम से, कहां गए थे सारे अधिकार? जब विपक्ष में बैठते हैं तब अपने समय में क्या किया था वो भी तो थोड़ा याद रखना चाहिए, वरना फिर सुननी पड़ेगी।